स्कूल चला है, वही तो लंडे। अभी देखा तभी तो। बच के रहना, मैं आगे, मैं फ्रंट से जा रहा हूँ, मुझे दिख के। बहुत सही, छत वाले को ले ले, बस छत वाले को ले ले, कुछ भी करके। लेटा हुआ है, लेटा हुआ है। ओह, ये मरा कैसे नहीं था? मैं सोच रहा हूँ। आराम से, अब आराम से, अब आराम से। बहुत सही, बहुत सही। इसकी बहन की चलिए, बोट को मार। अबे मार दे, बोट बोट मार दे, मार दे, मार दे। आजा, वही तो पहुंचड़ी का। और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? अब पिछले कुछ दिन से मेरे को एक चीज महसूस हो रही थी कि मेरा एम असिस्ट जो है वो काम नहीं करता। अब कुछ लोग कह सकते हो कि आईपैड में भी एम असिस्ट चाहिए, तो भाई प्रॉब्लम स्क्रीन की नहीं होती, प्रॉब्लम एम करने की होती है। अंगूठे से एम होता है ना, तो अंगूठा उतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं दे पाता है आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो इस वजह से जो है काफी दिक्कत हो रही थी एम करने में। तो मेरे को ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मेरा एम असिस्ट तो इनेबल था, तो मैंने कर दिया उसको डिसेबल। और भाई सही बता रहा हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा। मतलब देख लो, मेरे को एम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि भाई मेरा एम असिस्ट शायद कई महीनों से काम नहीं कर रहा था, क्या था मेरे को नहीं पता। फिलहाल आप लोग कमेंट बताना कि आप में से कितने लोग हो जो एम असिस्ट यूज़ करते हो, क्योंकि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऑन रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि ऑन करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफ कर देता हूँ तो वैसे ही खेलता हूँ जैसे पहले खेल रहा था। हाँ, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब फ़ोन पे जाता हूँ तो वहाँ तो भाई कतई मैग्नेट लगता है, क्योंकि भाई वहाँ हल्का सा एम असिस्ट मेरे को बहुत तगड़ा लगता है। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर वो जो दो बंदों में से एक बंदे को मैंने नॉक करा था, वो रैप हो गए, तो इधर कहीं पर छुप रहे थे। अब इसको भी नहीं, एक को लुड़का दिया था और उसे हेल्थ तक आनी थी, लेकिन उसका एक ही बंदा बच रहा था जो कि उस पार था। अब भाई साहब आराम से मार दिया, लेकिन इसको भी प्रोन हो गया था और ये मेरे को मरवा सकता था। फिलहाल जो भी, हम लोग नोवा उतरे थे और भाई कोई नहीं था, लेकिन तभी मेरे को यहाँ पर एक फुटस्टेप सुनाई दी। भाई साहब आयरन साइड बैरल की कुछ दिखता ही नहीं है, तुक्का लगाना पड़ता है बंदा कहाँ गया होगा। और भाई साहब वहाँ मैंने सिर्फ अंदाजे से मारा था। फिलहाल जो भी हो, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। फिर हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर मेरे ऊपर किसी ने फायर करा, मेरे ऊपर क्या गाड़ी के ऊपर फायर करा था। और जब तक हम लोग पहुँचते, वो बंदा घर से गायब था, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि वो बंदा कहाँ गया कहाँ है। अरे यार कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, तो भाई हम लोग उस बंदे को ढूंढने लगे। और यहां देखो क्या हुआ भाई, मेरे को हेडशॉट पड़ी हुई तो ठीक है, लेकिन मेरे पास लेवल 2 का हेलमेट था ब्रो। मतलब क्या मेरे को एमके या एडब्ल्यूएम से पड़ी थी क्या? मतलब मेरे को रिस्पॉन्ड तक का मौका नहीं मिला भाई। वहां क्या हुआ मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल जो भी, हम लोग को इधर से फायर हुआ था, जब लोग लूट रहे थे, तो हम लोग गाड़ी लेके यहां पर आए। और भाई साहब यहां तो स्क्वाड्स की लाइन लग गई, स्क्वाड बोल रहा हूं टीम की लाइन लग गई। अब फिलहाल यहाँ इसको भी नेट कर रहा था, तो मैं यहीं बैठ गया ताकि उसे कवर दे सकूँ, कि जब वो नेट डाले तो उसको मार ना पाए। लेकिन इसका नेट तो टकरा के यहीं पर गिर गया। फिलहाल जो भी, इसको भी दूसरा नेट ट्राई कर रहा था, और मैं गया कोई ऑल एंगल ट्राई करने। अब भाई साहब यहाँ पीछे हम लोग एक गाड़ी आई थी और मेरे को साउंड आ गया था, तो स्कूबी ने जैसे ही नॉक करा भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं रुका, मैंने सीधा पुश कर दिया और स्कूबी कॉल दे दी कि पीछे बंदे आ गए हैं। भाई साहब सामने वालों ने मेरे को गंदा डैमेज दिया था और स्कूबी यहां पर नॉक हो गया था, तो मेरे को स्कूबी को रैप देना था। और जब तक मैं उसको रैप देता हूं, मैं आपको बताता हूं एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है 1xBet। एक स्पोर्ट प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है जिसमें आप स्पोर्ट्स को लेकर प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो जो आपके फेवरेट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह, इनके गेम्स को लेकर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। अगर आपका प्रेडिक्शन सही साबित होता है, तो आपके थ्रू आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। तो इसे आपको अगर एक ट्राई देना है, तो उसका डाउनलोड लिंक आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पर मिल जाएगा, वहां पर मेरा प्रोमो कोड भी मिल जाएगा, तो उस प्रोमो कोड को यूज कर लेना ताकि आपको ढेर सारे बोनस मिल जाए। फिलहाल जो भी हो, सामने वाले बंदे पुश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से डिसाइड करा और वो वापस चले गए।
क्या मुझे M4 लेनी है ले कुछ छोड़ भी। अब यहाँ पर मैंने एक को नॉक करके फिनिश कर दिया था, लेकिन दूसरा वाला उनका अभी भी पीछे था, तो मैंने यहाँ पर पुश करा। हल्का सा हल्का सा दे रहा। रुक के मैं आ रहा। मेरे साइड बाहर ओपन में। अब भाई ये बंदा तो कंफ्यूज हो गया था दोनों तरफ से, तो हम लोग ने इनको तो आराम से मार दिया, लेकिन तभी यहाँ पर एक और टीम आ गई। अब भाई जब मेरे को पता था कि वो छत पे जाएंगे, तो मैंने वहां पर एक प्रीनेट करा। अब पहला नेट तो फालतू गया, लेकिन मेरा अंदाजा सही था क्योंकि वो बंदा ऊपर जा रहा था और भाग के फिर नीचे वाली उसमें आया, तो मैंने वहां पर एक नेट करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन दोबारा मैंने गलती नहीं करी। नेट आप पे तो भाई साहब बूम, यहां पर एक नॉक हो चुका था और एक बच रहा था, तो यहां पर हम लोगों ने जल्दी से पुश करा। सेकंड फ्लोर पे मैं तो फायर कर रहा रैंडमली, देखो मेरी हेल्थ कम है, ठीक है मार लेना। और भाई साहब आराम से ये टीम भी निपट गई, ये तो भैया M249 और AWM लेके आए थे। अब यार मेरे को आप लोग से एक बात पूछनी है, आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि क्या आप लोग को मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे? मतलब मेरे कल कई सारे कमेंट देखे जिसमें ये लिखा हुआ था कि नोटिफिकेशन बहुत लेट आई या फिर नहीं आई। अगर ऐसा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, वैसे इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन पता तो चले आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिलहाल जो भी हम लोग यहाँ पर आए, तो मेरे को ऊपर एक बंदा दिख गया और भाई साहब ये तो अलग ही लेवल के कैंपस थे। अब फिलहाल एक बंदा इनका बाहर की तरफ आया था, तो मेरे को उसको भी देखना था, तो मेरे को वो दिख नहीं रहा था, तो मैंने डिसाइड करा कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं, जो एक बच रहा उसको मार देते हैं। पूरा ऊपर वाला कहाँ लेटा हुआ है? लेटा हुआ नहीं दिख रहा मेरे को। अब भाई साहब ये लोग तो गंदी पोजीशन लेके बैठे हुए थे, तो यहाँ पर हम लोग को ये डिसाइड करना था कि इनमें से किसी एक को ठोके कैसे, क्योंकि यार दोनों ऐसी जगह पर बैठे हुए थे कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अगर हम लोग बाहर वाले के पास जाते तो अंदर वाला ऊपर से मारता, और अगर ऊपर वाले के पास जाते तो बाहर वाला परेशान करता, और ऊपर वाले के पास बढ़िया एंगल तो रहता ही। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले से एक गलती हुई, वो पता नहीं क्यों साइड पे जाने लगा, पूरा घूम के जा रहा है, तो हमने इसको तो नॉक कर दिया, और जो ऊपर था वो थोड़ा सा पीछे गया था स्कूबी के ऊपर ध्यान देने, और जब तक वो आगे आता ये तो नॉक हो चुका था। अब फिलहाल बात ये थी कि अब ऊपर वाले को कैसे टेक डाउन करें। नीचे कूद गया, और यहां पर उसने भी गलती करी, वो पैनिक में आके नीचे कूदा। अब यहां पर मेरा ध्यान उसके ऊपर था कि तभी यहां पर एक गाड़ी आई। मेरे को कवर चाहिए, कवर चाहिए, कवर चाहिए। भाई साहब यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको फिनिश करा, लेकिन जो गाड़ी यहाँ पर आई थी वो निकल गई आगे की तरफ, तो यहाँ पर हम लोग ने जल्दी से हेल्थ वगैरह लगाई। हम लोग को यहाँ पर एक और फ्लेयर मिल गई थी, तो जो कि हम लोग ने चला लिया और इस डब्बे को लूट लिया, कि भाई हेलमेट वेस्ट लाल हो रखे थे। और भाई साहब यहाँ पर देखा मेरे मुंह से मेरी किल चोरी होगी। वो दोनों एक पत्थर पे लेटे हुए पर अब नेट कर लो। अब यहां पर मैंने एक मॉली करने का डिसाइड करा, और वो मॉली एकदम परफेक्ट गिरा, बंदे को आग भी लग गई, लेकिन मेरी पिंग हाई हो गई यहां पर। भाई साहब मेरी पिंग क्या हाई हुई थी, मतलब एक जैसे पूरा फ्रेम ही कट गया था वहां से। जो भी हो, सामने वाला बंदा मेरी आंखों के सामने मेरा किल ले गया, जिसमें मेरी मॉली से आग लगी हुई थी। फिलहाल जो भी हो, सामने वाले को मैं जैसे ही मारता स्कूबी ने उसे नॉक करके फिनिश कर दिया, मतलब डायरेक्ट ही फिनिश हुआ हो। लेकिन हम लोग के ऊपर सामने की तरफ से फायर हुआ, तो हम लोग गाड़ी उठा के उधर ही पुश करने लगे। अब फिलहाल सामने टावर की तरफ स्मोक हुआ था, और वहां पर मेरे को एक बंदा लेटा हुआ दिखा, लेकिन वो काफी दूर था, लेटा हुआ है। अब यहां पर मैंने उसके एक हेडशॉट मारा था, लेकिन उसने मेरी बैंड बजा दी थी। दोबारा मैंने एक बॉडी शॉट मारा, और फिर मैंने एक और बॉडी शॉट मारा, लेकिन बंदा वो नॉक नहीं हुआ। तो यहां पर मेरे को हेल्थ लगाना था भाई, क्योंकि वॉच टावर से भी हम लोग की पड़ रही थी, और स्कूबिन जैसे ही नॉक करा हम लोग ने पुश कर दिया। देखे
इसको भी कह रहा था सीट चेंज करके उतरो। अबे भाई उतरने तो दे पहले, वो मेरे को उतरने ही नहीं दिया, तो मैंने बस फायर कर दिया गाड़ी के अंदर से, एक को नॉक भी कर दिया। और फिर भाई साहब मेरे को रैफ तो मिल गया, लेकिन वैसे ही स्मोक भी आ गया। स्मोक बोल रहा हूँ यार, मैं आज बहुत गलत बोल रहा हूँ कि भाई बहुत गर्मी लग रही है फिलहाल। जो यो यहाँ कैसे फायर हुआ था, मतलब ये जो वॉच टावर है, तो भैया हम लोग को इनको भी ठोकना था, लेकिन ये लोग कैंप करके बैठे थे, तो यहाँ पर हम लोग को डिसाइड करना था कि क्या करें, क्योंकि भाई एक बंदा और बच रहा था जो कि कहीं बाहर था और वो फ्लोट कर सकता था। तो यहाँ पर हमने डिसाइड करा कि मैं एक नेट डालूंगा और उसको भी दरवाजा तोड़ेगा मोली डाल के। लेकिन एक नीचे कूद गया और उसको मैंने नॉक कर दिया, लेकिन अभी एक ऊपर बच के पता नहीं कैसे बैठा हुआ था। नहीं रूम में घुसो 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 रूम में घुसो सीधा। और भाई साहब आराम से इसको भी फिनिश कर दिया। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं थी कि उसको आराम से मार देंगे। फिलहाल हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन हालात बहुत बदतर हो गए। जो भी हो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एड वगैरह लगा ली, गन वगैरह रिलोड कर ली, और अब उस बंदे को ढूंढना था। तो हम लोग गाड़ी से लेके उसे ढूंढने वाले थे, गाड़ी लेके उसे ढूंढने वाले थे। वो भाई आज मैं कितना गलत बोल रहा हूँ। फिलहाल जो भी, जैसे मैंने गाड़ी निकाली, भाई साहब बंदे ने क्या एम स्विच करा अपना, मतलब स्कूबी को नॉक करा और मेरे को खत्म ही कर दिया था ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर मेरी फटी की गाड़ी ना फोड़ दे वो और मैं उड़ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में आया कवर में। मैंने जल्दी से हेल्थ लगाई और स्कूबी को वापस जाने को बोला, क्योंकि यहाँ से एक्सपोज हो सकता था। अब भले ही यहाँ पर हम स्कूबी को बचा सकते थे, लेकिन जरा क्लॉक देखो, कुछ ही 20 सेकंड बच रहे थे। तो यहाँ पर स्कूबी को जल्दी से रिवाइव दिया। हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि उस बंदे ने गाड़ी फोड़ दी, तो मतलब हमको एक कवर मिल गया जोन के अंदर। वाह भाई वाह। अरे भाई कतई इजी चिकन डिनर। 07